जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आपका अपना एस्ट्रो आचार्य राजा उपाध्याय। दर्शकों, बहुत समय के बाद मैं एक अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके फायदे के लिए। आप जानना चाहते हो कि आप कहीं भी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो या किसी ऑफिस के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका सिलेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता है, या आप अपने नौकरी के लिए भी बहुत ही परेशान रहते हो। किसी इंसान को नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत हो जाती है तो वो इमरजेंसी में क्या करे क्या ना करे उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारे कुंडली के जो घर है वह सात्विक रूप से आपके हर एक रास्तों को क्लियर करते हैं, आपके हर एक डायरेक्शन को बताते हैं कि आपकी समस्या कहाँ है, आपको किस समस्या का समाधान करने के बाद आपको अपने जीवन में परिणाम या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, नौकरी वाले लोगों के लिए, विशेषकर आपके पढ़ाई वाले बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ नौकरी वालों से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में यह समस्या आ रही है कि आप इंटरव्यू देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता हो तो नौकरी के देव कौन से हैं हमें ये कुंडली में पहले जानना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली का सातवां घर के अंदर बुध, बारहवें घर के अंदर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन हो, या बुध या सूर्य का कॉम्बिनेशन हो आपकी किसी भी कुंडली के चक्र के अंदर, मैं अलग बात नहीं करूँगा यहाँ, किसी भी चक्र के अंदर अगर आपके सूर्य बुध साथ में हो या शनि बारहवें या लग्नेश के अंदर बुध और शनि एक साथ हो तो आपका नौकरी का चांस बहुत अच्छा जाता है और ऐसे लोगों का इंटरव्यू में, फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो जरूर कीजिएगा। ऐसा एक मोर का पंख, 7 दिन तक आप अपने इंटरव्यू से 7 दिन पहले अगर आपको पता चलता है कि मेरे इस डेट को मेरा इंटरव्यू है तो उसके 7 दिन पहले ही पंख को अपने ऊपर वाली जेब में रखने लग जाइए। अगर ऊपर वाली जेब में नहीं रख पाते हो तो आप सोने जहाँ सोते हो वहाँ उस तकिए के नीचे रख दीजिए और जिस दिन इंटरव्यू है आपका उस दिन आप उस मोर के पंख को साथ में ले जाइए। इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी भी लगेगी और एक कॉन्फिडेंस भी आपका ओपन होने लगेगा, आप डर भी आपका भागेगा और आप बिल्कुल ही फ्रेश महसूस करेंगे। ये छोटा सा उपाय, आप साधारण से उपाय को कीजिए, जीवन में चमत्कार देखिए। अगर मेरे उपाय आपको फायदे कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपॉइंटमेंट लेकर आप कुंडली का विश्लेषण मेरे माध्यम से जरूर ही करवा सकते हैं। चलो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल।